हेलो एवरीवन, आइए आज आपके साथ मैं कीमा वाले चावल जो जिसमें के सब्ज़ी भी शामिल है बनाती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही टेस्टी, खुशबूदार, मज़ेदार बनता है। तो मेरे साथ रहें। इसके दो टेबल स्पून प्योर घी डालें और इसे गरम करें। अब एक मीडियम साइज़ प्याज की बारीक स्लाइसेस करके इसे कैरामलाइज कर निकाल लें। ये पुलाव के सजाने के काम आएगा। अब मिले जुले होल गरम मसाले को डालें और इसको चटक जाने दें। एक बड़ी साइज की कटी हुई प्याज डालें। कुछ सेकंड इसे तल लें। यहीं पर कीमा डाल दें। थोड़ी देर इसे पका लें। फ्लेम को धीमा रखें। अब पाउडर मसाले में देखें तो हाफ टी स्पून धनिया पाउडर है, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ टी स्पून से थोड़ा कम रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर और ज़ीरा पाउडर है। नमक 3/4 टी स्पून है और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। अब यहीं पर हमें टमाटर डाल देना है, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देना है और साथ में जो पाउडर मसाला हमने निकाला था वो भी इसी में डाल देना है। फ्लेम को मीडियम रखें और इस पर मसालों के साथ कीमा को थोड़ी देर भून लें। अब हाफ कप पानी कीमा में डाल देना है और इसे गला लेना है। आप अपने तरीके से कीमे को गल जाने दें। एक दूसरे पैन में घी डालें। अब यहाँ पर हमने 2 बड़े आलुओं को लेंथवाइज काटा है, वो इसमें डाल देना है और थोड़ी देर पका लेना है ताकि ये हाफ डन हो जाए। थोड़ा सा नमक डाल दें, चिल्ली फ्लेक्स डाल दें और इसे थोड़ा सा गला लें। कीमा अब गल चुका है तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा दही के साथ भून लें। आँच धीमी रखें और दही को अच्छी तरह से कीमा में मिला लें। अब कीमा अच्छी तरह से भुना जा चुका है तो हम यहाँ पर पानी शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप पानी लिया है और कप मेरा 400 ml वाला है, बड़े साइज का। उसी से मैंने 1 कप चावल लिया है और यहाँ पर 2 कप पानी का हमने इस्तेमाल किया है। अब इसमें बॉयल आने देना है। इधर सब्जी को खोलकर देखना है। यहाँ पर हम शिमला मिर्च शामिल करेंगे। हमारे पास हरी, पीली और लाल 3 तरह की मिर्चें हैं। आप अपने हिसाब से जो रंग है वो इस्तेमाल कर लें। तो अब जबकि पानी में उबाल आने वाला है, हमें यहाँ पर नमक चख लेना होगा और ज़रूरत है तो नमक शामिल करना होगा। याद रहे कि हमने कीमा का नमक पहले से कीमे में डाला हुआ है। अब यहाँ पर हम चावल शामिल करेंगे जिसे मैंने 1 घंटा पहले धोकर भिगो दिया था। ये देहरादूनी लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस है। आप कोई सा भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही खुश जायका ये चावल तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस। आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे
और ये वन पॉट मील है। अब हम यहाँ पर फ्लेम को धीमा करेंगे क्योंकि पानी अब चावल के नीचे जा चुका है। यहाँ पर हम इसमें अपनी पहले से तैयार सब्जियों को शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना शानदार, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब यहाँ पर मैं कुकर का ढक्कन 2 मिनट के लिए बंद करूँगी ताकि ये अंदर से दम पर बिल्कुल आ जाए। आप देख सकते हैं ये चावल कितना खिला खिला सा रेडी हुआ है। तो इस लाजवाब पुलाव को बनाएं और वीकेंड पर इसका लुत्फ उठाएं। देखिए ये कितना ज़बरदस्त सा दिख रहा है। तो ये कीमा वाले चावल आप इसे रायते के साथ सर्व करें। उम्मीद है आज की ये आसान सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी।